मैं मास्टर शावेस खान एसआर लेडीज दर्जी से आज आपके सामने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देख लेते हैं। हमारे बेसिक सिलाई से रिलेटेड ये वीडियो है, इसको देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। कोई भी सिलाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। ओके, टेक केयर। जैसे कि आपको इंट्रो वीडियो में हमने बताया था कि आज हम पैटर्न पेपर के बारे में बात करेंगे। ये सामने हमारे पास एक पैटर्न पेपर का रोल रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है ये। देखिए थोड़ा क्या होता है, लचीला भी होता है और थोड़ा हार्ड भी होता है, दोनों तरीके की इसमें क्वालिटी होती है। ये देखिए इसमें कई तरीके के पैटर्न पेपर आते हैं हमारे पास, कुछ बारीक थोड़े पतले होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं कुछ। तो हमें जिस तरीके के पैटर्न पेपर की जरूरत है आपको मार्केट में मिल जाता है, बहुत जरूरी चीज है हमारे काम में। कई बार ऐसा होता है हमें सेम डिजाइन और सेम पैटर्न की चीजें हमें बार बार बनानी होती हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है पैटर्न पेपर की जरूरत पड़ती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कई बार हमारे पास कपड़ा कम होता है, तो हमें उसका अंदाजा लगाने के लिए पहले से एक पैटर्न काट लेना चाहिए जिससे कि कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। तो ये पैटर्न पेपर जो होता है बाजार के अंदर अलग अलग रेट में आता है, ऑनलाइन वगैरह में भी मिल जाता है, सब जगह मिलता है, और ये मटेरियल की दुकान पे या स्टेशनरी की दुकान पे आराम से मिल जाता है। इसमें क्या होता है आपको किसी भी तरीके का आराम से इसमें ना निशान लग जाता है, चौक से भी निशान लग जाता है, पेंसिल से भी निशान लग जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो और आराम से मुड़ जाता है। तो मतलब ये जो है ना बहुत जरूरी चीज़ है, कभी गले वगैरह आपको काटने हैं, कोई गले होते हैं जैसे पान वाला गला हो गया, गोल गला हो गया, ये सारे के सारे गले जो होते हैं ये ना नॉर्मल रोज बनते ही रहते हैं, तो आपको ना बार बार वो सेम शेप लाने के लिए ना दिक्कत होती है। तो आप क्या करें एक ना पैटर्न काट के रख लें, उसी तरीके से चोली कट ब्लाउज वगैरह होते हैं, लहंगे होते हैं, उनकी कली के पैटर्न काटने, तो उसमें ये बहुत काम की चीज होती है। ये एक ऐसा टूल है हमारे यहाँ जो बहुत जरूरी होता है, इससे आपका बहुत टाइम भी बचता है और आपकी हमेशा एक परफेक्ट शेप आती है इसकी वजह से। तो मार्केट में अलग अलग रेट में मिल जाता है, कोई 10 रुपए मीटर या 20 रुपए मीटर, या शीट भी मिलती है इसकी, एक एक मीटर की शीट मिलती है, रोल भी मिलते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसके बारे में आपको नॉलेज दे रहा था कि ये एक ऐसी चीज है जो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने, जब भी आप नए नए आप काम सीख रहे हैं, या इसको प्रोफेशनल लोग भी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको अक्सर एक जैसे डिजाइन को कई सारे ड्रेसेस में बनाना होता है, तो वो लोग भी इसको बहुत यूज करते हैं। कटिंग में भी आसानी से कट जाता है, ये कैंची में आराम से जैसे आप शेप लेना चाहते हो वैसी शेप आ सकती है। तो इसके लिए मुझे लग रहा था मैं आपको एक बार बता दूं कि इसको पैटर्न पेपर कहते हैं, ब्राउन पेपर भी कहते हैं, पैटर्न पेपर भी कहते हैं इसको। अगर और ये जो हमारी वीडियो है ये हमारा बेसिक सिलाई कोर्स के अंदर हम जितने भी सिलाई से रिलेटेड टूल्स और मटेरियल्स होते हैं उनकी नॉलेज इसके अंदर दे रहे हैं हम, उसी से रिलेटेड ये हमारी चीज़ थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, किसी भी तरीके का कोई कमेंट है, कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, टेक केयर।